नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी विकास गाथा सुनाने में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जो विकास के सभी दावों की पोल खोल रही है। ऐसी ही एक जगह है अनूपपुर में, जहां के गांव में लोग अपनी बेटी की शादी करने से भी कतराते हैं। अनूपपुर जिले में आने वाली ग्राम पंचायत बीजापुरी नंबर 1 का संगम टोला गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव की आबादी लगभग 300 करीब है और यहाँ लगभग 150 मतदाता है, लेकिन आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी गाँव वालों ने विकास का मुंह तक नहीं देखा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी ग्रामीण तरस रहे हैं। यहाँ चलने के लिए रास्ते नहीं है, आंगनबाड़ी दूर होने के चलते छोटे बच्चे आंगनबाड़ी नहीं जा पाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। जीने के लिए तो हम गंदा पानी भी पीकर जिंदा रह लेंगे, लेकिन रास्ते के ना होने के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालात तो ऐसे है कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे कंधे में ढोकर ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में जब किसी महिला को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है तो कीचड़ की वजह से मुख्य मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं की डिलीवरी गांव की दाई ही करती है।